वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेज. द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर एंड इनेबल अदर प्रोग्राम टू रन ऑन इट. इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सारे के सारे जो भी ऑपरेशन है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है, और कोई भी अदर प्रोग्राम कंप्यूटर पे रन हो इसके लिए ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल एमएस विंडो है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, आईओएस है. दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन कौन से फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं? तो देखिए, फर्स्ट आता है वो आता है इंटरफेस मैनेजमेंट. जनरली कंप्यूटर के अंदर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस होता है, जिसमें आता है, एक तो आता है CLI, एक आता है GUI. CLI means कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर इसे अपन कहते हैं कमांड यूजर इंटरफेस. द नेक्स्ट इज GUI. GUI means ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द यूजर विद मीडियम टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. कंप्यूटर से कोई भी यूजर है वो कैसे इंटरेक्ट होगा इस ये जो टास्क का परफॉर्म कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. द मीडियम इज कॉल्ड एन इंटरफेस एंड और ए यूजर इंटरफेस. जो मीडियम है जिससे अपन किसी कंप्यूटर से इंटरेक्ट होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? यूजर इंटरफेस कहते हैं. इट प्रोवाइड द एबिलिटी टू गिव द कमांड टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए वेरियस टास्क. एक अलग जो कोई भी टास्क करने के लिए ये क्या एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है. अब अगर अपन बात करें टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस में कौन कौन से आते हैं, कैसे काम करते हैं, तो देखिए CLI है वो ओनली किस पे काम करता है? कमांड के ऊपर काम करता है. कमांड के ऊपर काम करता है इट मीन्स ये क्या करेगा कि जो भी अपन कमांड इंसर्ट करेंगे, जो भी अपन कीबोर्ड के थ्रू कमांड इंसर्ट करेंगे ये उस पर काम करेगा. नेक्स्ट आता है वो आता है GUI. GUI क्या करता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इट मीन्स ये क्या करेगा कि अपन यहाँ पे काम लेंगे बार्स, बटन्स, मेन्यूज, इनको अपन काम में लेंगे, ठीक है. तो जहाँ जैसे अपन MS विंडो के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे अपन बार्स, बटन्स, स्टार्ट बटन आता है या अलग अलग बार्स आती है, टैब्स आते हैं, बटन्स आते हैं, उनका यूज करते हैं, तो वो क्या है? GUI. और जहाँ पे ओनली अपन कमांड का यूज करते हैं उसे अपन कहते हैं CLI, ठीक है. तो इन जो यूजर इंटरफेस है इनको मैनेज करने का काम अपन करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट आपका आता है वो आता है डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस मैनेजमेंट इट मीन्स जो भी अपन डिवाइस से अटैच करते हैं. ए कंप्यूटर कैन अटैच द वेरियस डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD-ROM एंड पेन ड्राइव. कि अलग अलग डिवाइस अपन अटैच करते हैं, लाइक माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, CD, DVD है. ये दीज डिवाइस आर यूज टू इनपुट डेटा इन टू कंप्यूटर. इनका यूज अपन डेटा इनपुट करने के लिए करते हैं एंड आउटपुट के लिए करते हैं और डेटा शेयरिंग के लिए करते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट विद दिस डिवाइस थ्रू देयर डिवाइस ड्राइवर. जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? डिवाइस ड्राइवर जो इनका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है उनको उनके थ्रू ये क्या करता है? कंप्यूटर से को कनेक्ट करता है और ये वर्किंग कंडीशन में आती है. डिवाइस ड्राइवर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल द पर्टिकुलर डिवाइस. किसी पर्टिकुलर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अपन इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से अटैच करते हैं उनको भी मैनेज करने का काम कौन करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा. नेक्स्ट आता है वो आता है प्रोसेस मैनेजमेंट. ए प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट बींग एग्जीक्यूट और रन. प्रोसेस का एक प्रोग्राम है जिसमें जो रन होता है, ठीक है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ प्रोसेसर एंड रनिंग प्रोसेसर. इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये प्रोसेसर रखता है और क्या करता है? जो भी प्रोसेस है उसको रन करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू प्रोवाइड एनफ प्रोसेसर टाइम टू ईच रनिंग प्रोसेस सो दैट दे कैन रन एफिशिएंटली. अब क्या होता है? प्रोसेसर है, प्रोसेस के पास क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम होता है हर एक प्रोसेस के लिए जिससे वो कंप्लीट आसानी से हो जाए. इट अलोकेट द प्रोसेसर टू ऑल रनिंग प्रोसेसेस. ये क्या करेगा? हर एक जो प्रोसेस है उसके लिए टाइम है वो मैनेज करेगा, उनको टाइम एक कंप्लीट टाइम उनको देगा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए. और देन क्या होगा? जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसको जो टाइम है, जो भी उसका स्पेस है, उसको क्या करेगा? डी एलोकेट कर देगा, ठीक है. तो इसका मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट का काम भी करता है. नेक्स्ट आपका आता है मेमोरी मैनेजमेंट. तो देखिए मेमोरी मैनेजमेंट
अब कंप्यूटर के अंदर अपन फाइल भी सेव करते हैं या अपन कोई भी एप्लीकेशन है वो भी रन करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिएगा? मेमोरी चाहिएगी, स्पेस चाहिएगा। द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज एन एरिया इन विच ए कंप्यूटर प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क बिफोर इट कैन रन। कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम अपन रन करते हैं तो वो उसको रन करने से पहले वो कहाँ पे होता है? आपका कंप्यूटर मेमोरी में आता है, वो रन होने से पहले रैम के अंदर आता है। इफ देर आर मल्टीपल प्रोग्राम टू रन, और अपन एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन करते हैं, देन ईच प्रोग्राम नीड एनफ मेमोरी टू रन सक्सेसफुली। तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम अपन चलाते हैं एक साथ, लाइक इंटरनेट भी अपन एक्सेस कर रहे हैं, सॉन्ग भी सुन रहे हैं, तो सबको अपना अपना स्पेस चाहिएगा। तो इनको अच्छे से वर्क करने के लिए, रन करने के लिए सक्सेसफुली, यहाँ पर अपन को किसकी नीड होगी? स्पेस की नीड होगी, मेमोरी की नीड होगी। तो ये जो मेमोरी कौन प्रोवाइड करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द मैन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। ये क्या करता है? मैन मेमोरी को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये थे कि कौन कौन से टास्क है या अपन कह सकते हैं फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। इसमें फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा? फर्स्ट अपन ने पढ़ा इंटरफेस मैनेजमेंट, सेकेंड अपना आता है वो आता है डिवाइस मैनेजमेंट, थर्ड अपना आता है वो आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, और फोर्थ अपना आता है वो आता है मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।